ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। सुनना, ऑक्सो एसिड का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन भी है और एसिड मतलब हाइड्रोजन भी है। और यहाँ पे ये दो लोग, तो यहाँ पे जब हम लोग हेलोजन एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो एक्स के साथ ओ एच जुड़ना चाहिए, ना कि ऐसा एक्स के साथ ऑक्सीजन इधर और एच इधर जोड़ सकते हैं क्या सर? क्योंकि हेलोजन के पास तो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन। लेकिन ये गलत होगा थोड़ा मेथड, बिकॉज हाइड्रोजन हेलोजन से अटैच होने से अच्छा ऑक्सीजन से अटैच होना पसंद करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पसंद पसंद की बातें नहीं चलती है, ये केमिकल्स की बातें हैं, ठीक है? जो स्ट्रांग है वो रिएक्शन करेगा, जो वीक है हटो। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रंग बनाते हैं, जबकि एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन है, एक एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है वो है अगर फ्लोरीन के साथ बनाना हो, ठीक है? तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े कि फ्लोरीन से जुड़े। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ता है, ये तो पता है सबको। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है? तो सर फ्लोरीन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ जाता है, इसलिए इसको ऑक्सो एसिड नहीं बोलते, नॉट एन ऑक्सो एसिड, ठीक है? फ्लोरीन डू नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे। फ्लोरीन तीन बॉन्ड नहीं बनाता, एक ही बॉन्ड बनाता है। एफ ओ एच जो बनाएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए फ्लोरीन यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाता है। एकदम क्लियर रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है कि फ्लोरीन डू नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड्स बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन एड हाइड्रोजन विथ इट सेल्फ एंड डू नॉट एड हाइड्रोजन ऑक्सीजन एनी मोर, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जब हाइड्रोजन को अटैच कर ही लिया तो ऑक्सीजन को क्यों अटैच करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये काम आते हैं, अगर इसको मैं मिटा दूँ, और ऑक्सो एसिड्स तो बनते हैं सर, हाँ बिल्कुल, और सारे ऑक्सो एसिड्स बनेंगे, जैसे एग्जाम्पल ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन की अगर बातें करें, सुनना। तो HClO, कल देखा था इसका नाम, कल इसका नाम देखे थे, क्या नाम था इसका? इसका नाम क्या था? इसका नाम था हाइपोक्लोरस एसिड, नहीं हाइपोक्लोरस एसिड। एक और थे HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, थे ना, याद होगा? इनके अगर स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम टू सेम, HBrO2 नहीं बनता है, HBrO3, HBrO4 ऐसे ही, HIO ये HIO2 नहीं बनाता है, HIO3, HIO4 यहाँ पे दो एक्सेप्शन केसेस रखने वाले केसेस आएंगे, ये दोनों नहीं बनते हैं, याद रखना, नहीं तो जीरो मार्क लेके आओगे फिर इसको, याद रखना, नहीं तो जीरो मार्क लेके आना फिक्स है, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन नहीं बनते हैं? थ्री वाले दोनों नहीं बनते हैं, ये एक एक करके अभी तक जुड़ ही रहे, जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ, वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा, देख लेना, थोड़ा सा ऑनलाइन देखने की कोशिश करना तुम लोग, ऑफलाइन करके देखते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ एसिडिटी ऑर्डर की, ऑक्सो एसिड के एसिडिटी ऑर्डर की, सुनना, ऑक्सो एसिड्स की अगर एसिडिटी ऑर्डर देखें तो HClO, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये पूछा जा चुका है, कैसे देखते हैं वो भी बताता हूँ। चलो HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये अगर इतने कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इनकी एसिडिटी ऑर्डर चेक करनी है कि एसिडिटी ऑर्डर किधर से किधर बढ़े, इधर यहाँ पे इसके एसिडिटी ऑर्डर की बातें करने हैं ना। चलो एसिडिटी ऑर्डर, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, यहाँ पे क्लोरीन 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 क्लोरीन, सारे क्लोरीन ही है, और सारे क्लोरीन के साथ एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, मतलब सारे मोनोबेसिक हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में ही लिखवा दिया था मैंने, ऑल हेलो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स आर मोनोबेसिक, ये मैंने लिखवाया था वहां पे, लिखवाया ना, तो यहाँ पे ये भी मोनोबेसिक होंगे सारे, ये तो। तो यहां पे एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं, सुनना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोलोगे सर आपने बताया था एसिडिटी, हम लोग वैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन को सबसे जल्दी कौन छोड़ रहा है, कौन इवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन को सबसे जल्दी, यही ना है? चलो यहां भी वैसे भी दिखा दूंगा जैसे मैंने बताया, लेकिन यहां पे एक और कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन, सॉरी एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ
अगर कब, हर जगह नहीं लगाना, ये चीजें गलत हो जाएंगी। अगर सेंट्रल एटम सेम हो तब, सेंट्रल एटम सेम हो तब, अगर सेंट्रल एटम, सुनना, HCl था O, HCl HBrO था, तो यहां पे सेंट्रल एटम अलग अलग है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं काम करेगा, यहां पे सेंट्रल एटम काम करेगा मेनली, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं काम करेगा। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कब काम करेगा, जब सेंट्रल एटम सेम हो तो यहां पे लिख लेना इफ सेंट्रल एटम इज सेम। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गलतियां नहीं करने देगा। और ये क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, हर कंपटीशन में पूछा जा चुका है, कभी फ्लट के देगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं इसके, यहां पे प्लस 1 है, यहां पे प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिडिटी ऑर्डर की बातें कर लेते हो, HClO4 तुम लोग अलग से लिख लेना, देन दिस, क्लियर है। तो यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर ऐसे चेक करेंगे। अब एसिडिटी ऑर्डर ये है तो बेसिसिटी ऑर्डर उल्टा। अब बेसिसिटी ऑर्डर सिखाने की तो यहाँ पे जरूरत है नहीं कि सर ऑक्सीजन जो जल्दी देगा वो बेसिसिटी, वैसे भी देख सकते हो ऑक्सीजन जो देगा वो सबसे ज्यादा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन देगा सबसे जल्दी, ये तो जुड़ ही नहीं पा रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे जल्दी कौन देगा, तो ऑक्सीजन देने की बात ही नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सर हाइड्रोजन देने की बात आ रही है, क्योंकि क्लोरीन के साथ OH जुड़ा है, यहाँ भी क्लोरीन के साथ OH जुड़ा है, अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जुड़ा है। अब बातें आएंगी इन दोनों में हाइड्रोजन कौन देगा, जैसे सर आपने शुरू में बताया था वैसा बता दीजिए, अच्छा लगता है। तो सुन लो, यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है, जिससे कि ये ऑक्सीजन इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा होगा, खींच रहा होगा ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जा रही होगी। इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी खींचनी शुरू करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू करेगा, मतलब इसकी सारी इलेक्ट्रॉन जब इधर चली जाएगी तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, अगर वो भी खींच के इधर चला जाए तो ये टूट के निकल जाता है H प्लस के रूप में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा चुका है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वैसे भी देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया था शुरू में, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इसको देख सकते हो वैसा, ठीक है। तो यहां से एसिडिटी देख सकते हैं, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा। एक और एसिडिटी का ऑर्डर मैं बताता हूं, इस दोनों एग्जांपल नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना। यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं HClO, HBrO, HIO, इन तीनों में एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, तो यहां पे सुनना वही कंसेप्ट आएगा जो पीछे आया था कि सर ClOH है तो क्लोरीन ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन तो नहीं है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा अगर बात करें ब्रोमीन के कंपेयर में और आयोडीन के कंपेयर में, तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन से, थोड़ा कम ब्रोमीन खींचेगा और सबसे कम आयोडीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कम खींच रहा है, सुनना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है, इसका ज्यादा खींच रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम हो जाएगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगी तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से जल्दी खींचेगा, जिससे कि H निकल जाएगा H प्लस के रूप में। तो यहाँ पे HClO सबसे ज्यादा एसिडिक, ये सबसे कम एसिडिक हो जाता है HIO। तो अगर सेंट्रल एटम अलग हो तो अलग देखते हैं, अगर सेंट्रल एटम सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब